Hello and welcome to our show Sports Cafe, a special show where we'll discuss the major sports stories which made headlines in the newspaper. And to discuss more on this, we are joined by an expert in the studio, Mr. Shailesh Chaturvedi. आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि क्या कुछ खबरें रही आज हेडलाइंस बनी जो खेल की दुनिया में. आइए एक नज़र डालते हैं. And MS Dhoni to captain again for one last time in a warm-up match against England. Bopanna Jeevan duo clinch Chennai Open 2017 title. Aur Delhi Aces beat Chennai Smashers for first win of season Premier Badminton League. And in snooker, Pankaj Adwani downs Aditya Mehta, wins Kolkata Open snooker. तो ये तमाम हेडलाइंस थी जो बनी आज तमाम न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां. और अगर हम ख़ास तौर पर बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट पर हमारा ये रहता है कि अब जो इंग्लैंड की टीम आ रही है एक गैप के बाद, तो कैसा रवैया रहेगा. और एक नज़र डालते हैं इन हेडलाइंस पर. लास्ट हुर्रा, एम एस धोनी विल टेक फील्ड एज कैप्टन फॉर वन फाइनल ओकेजन इन वार्म अप मैच. मेल टुडे का ये कहना है. वही दैनिक जागरण ने लिखा है, भारत को उसके घर में हराना मुश्किल, मॉर्गन ने ये माना. और अंतिम बार कप्तानी करेंगे धोनी और इसके लिए तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं इंग्लैंड टीम बदला लेने को अभ्यास में जुटी. इस तरह के हेडलाइंस देखने को मिल रहे हैं. हिंदुस्तान ने ये खबर छापी है. वहीं अमर उजाला का कहना है, लय पाने को बेताब युवराज एक गैप के बाद. और वहीं भारत को हराना बड़ी चुनौती, मॉर्गन ने एक बार फिर से कहा है. वहीं दैनिक भास्कर का कहना है, इंग्लिश टीम ने बहाया पसीना, वनडे सीरीज के पहले खेलेंगे दो अभ्यास मैच. तो कितनी सारी हेडलाइंस क्यों शैलेश जी, जब हम देख रहे हैं इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, दबाव में भी इंग्लैंड की टीम, एक गैप के बाद आएगी और उसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी, क्या क्या रवैया रहेगा. लेकिन सबसे जो सरप्राइज हम कहेंगे वो ये है कि सबकी निगाहें अभी धोनी पर जुटी हुई है. इंग्लैंड एक ही और इंडिया एक ही टीम जब एक साथ अभ्यास करेगी, धोनी के हाथ में होगी कमान. उसके लिए जमकर वो जिम में पसीना बहा रहे हैं, फिटनेस में दिखाई दे रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, उनकी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं. तो कैसा लग रहा है एक और जितने भी मीडिया या ब्रॉडकास्टर चैनल हैं खास तौर पर, वो इसकी कवरेज करेंगे, इसे तवज्जो दी जा रही है, एक आखिरी मैच के रूप में देखा जा रहा है. बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि कल ब्रैबोर्न स्टेडियम जहां पे मैच होना है वो भरा हो. हालांकि जो वार्म अप मैचेस होते हैं उसमें ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन 15,000 से 20,000 दर्शक आने की उम्मीद जताई जा रही है. क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कोई छोटा नाम नहीं है. हाँ. आपके 2007 के T20 वर्ल्ड कप, 2011 के 50 ओवर वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी. और वो जब आखिरी बार कैप्टेंसी के लिए उतरेंगे तो बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे. बल्कि हो सकता है कि जब पहला वनडे हो तो भी हो सकता है कि एक सेशन या किसी चीज के लिए विराट कोहली कहे कि आप कैप्टेंसी कीजिए. जैसे आपको याद होगा कि सौरव गांगुली का जो आखिरी टेस्ट था उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने एक सेशन के लिए सौरव गांगुली को कैप्टेंसी कराई थी. ये एक सम्मान का तरीका होता है. लेकिन यहाँ पे तो पूरा मैच होगा, जो वार्म अप मैच होगा पूरे मैच में वो कैप्टेंसी करेंगे. और उम्मीद करेंगे कि बॉम्बे के लोग, मुंबई में ये मैच होना है, मुंबई के लोग ये मैच देखने के लिए जरूर जाएंगे. बल्कि अगर टेलीकास्ट के अगर होता है तो उसमें भी बहुत रुचि होगी लोगों की. होनी बंद हो गई है एक तरह से देखा जाए कि कितना ज्यादा हाइप दिया जा रहा है. और जरूरी भी है, मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल जरूरी है और तमाम चीजें लोगों को देखनी होती हैं. लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है महेंद्र सिंह धोनी. और यकीनन संभव है कि MCA जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है इसमें कुछ स्पेशल करे, या महेंद्र सिंह धोनी भी क्राउड के लिए स्पेशल करे. हालांकि उनको इसके लिए जाना नहीं जाता है, बड़े कूल काम और बहुत ही एक्सप्रेशन नहीं देने वाले का कैप्टन है. अगर विराट कोहली होते जरूर वो उनको बिल्कुल क्राउड के साथ जुड़ा हुआ, उनको क्राउड से बात करने वाले कैप्टन से माना जाता है. महेंद्र सिंह धोनी इस तरह के नहीं है. लेकिन संभव है कि थोड़ा इमोशनल होंगे वो आखिरी बार जब आप एज कैप्टन उतरते हैं. देखना पड़ेगा कि कैप्टन कूल जिनको कहा जाता है वो किस तरह इमोशनल होकर किस तरह का रवैया अपनाते हैं. और दूसरी तरफ अगर हम कहें, मॉर्गन ने खुद कहा है विल डू आवर बेस्ट दिस टाइम, तो बहुत सारा प्रेशर भी है इंग्लैंड के ऊपर एक तरह से. देखिए टीम बदली हुई है, जो टेस्ट टीम थी उसमें काफ़ी बदलाव हैं, काफ़ी नए खिलाड़ी हैं. आपके कैप्टन अलग हैं, एलिस्टर कुक की जगह मॉर्गन कैप्टन है. तो बहुत सारी चीज़ें बदली होती हैं. और उसके बाद जब आप
आपको एक ब्रेक मिलता है, आप क्रिसमस की छुट्टी मनाने गए, आप फैमिली के साथ रहे, उसके बाद आप एक फ्रेश होके आप लौट के आए हैं, तो देखना पड़ेगा। वनडे की कंडीशन और टेस्ट की कंडीशन बहुत अलग होती हैं, और मॉर्गन के लिए ये रिकॉर्ड जो इंडिया का पिछला है वो मॉर्गन के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि वनडे में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना टेस्ट क्रिकेट में किया है अपनी धरती पर। तो ये सारी चीज़ें मॉर्गन का हौसला बढ़ाएंगी, और वनडे बिल्कुल अलग होता है टेस्ट क्रिकेट से, तो इंग्लैंड के पास चांस है, लेकिन अपने अपनी सरजमी पे आप खेल रहे हैं, अपनी धरती पे आप खेल रहे हैं, तो यकीनन फेवरेट तो आप इंडियन टीम को ही मानेंगे। एंड इवन आशीष नेहरा हैज आल्सो कम बैक आफ्टर अ सर्जरी, और शिखर धवन भी होंगे अंगूठे की चोट के बाद, सर्जरी के बाद, एक तरह से जो खिलाड़ी वापस अपने लय में बरकरार देखेंगे, तो एक तरह से प्रेशर भी है और रोमांचक होने वाली है पूरी सीरीज। बिल्कुल, तमाम लोगों के लिए मौका है, अगर देखिए तो आप शिखर धवन के लिए एक तरह से आखिरी मौका आप कह सकते हैं, जैसे गौतम गंभीर को टेस्ट सीरीज में मौका मिला था, अगर शिखर धवन यहाँ फेल होते हैं तो उनके लिए वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके अलावा युवराज सिंह हैं, युवराज सिंह कमबैक कर रहे हैं, आशीष नेहरा T20 खेलेंगे, तो कई खिलाड़ियों के लिए मौका है अपने अपने टीम में जगह बनाने का, और ये साबित करने का कि अभी उम्र के लिहाज से उनको ना देखा जाए, उनको परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल, लेट्स मूव ऑन टू अदर स्टोरी व्हिच इज फ्रॉम टेनिस, और अगर टेनिस की हम बात करें, रोहन एंड जीवन रन अवे विद डबल्स टाइटल, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये पब्लिश की है, और वहीं दैनिक जागरण का कहना है बोपन्ना और जीवन की जोड़ी बनी चैंपियन, तमाम तरह की बधाई दी जा रही है सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को, और हिंदुस्तान ने लिखा है बोपन्ना और जीवन ने चेन्नई ओपन जीता। और बोपन्ना जीवन बने चैंपियन, अमर उजाला ने ये खबर छापी है। वहीं दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी, अगुत ने जीता साल का पहला खिताब। शैलेंद्र जी, एक चीज, 2011 के बाद एक स्टार जोड़ी थी हमारी पेस और भूपति की, उसके बाद अब इन दोनों ने ये कारनामा कर दिखाया है, जीवन और रोहन्ना एक तरह से चैंपियन बनकर उभरे। बिल्कुल, और रोहन बोपन्ना के लिए काफ़ी कुछ प्रूव करने के लिए था, क्योंकि डेविस कप टीम में उनको नहीं लिया गया और ये कहा गया कि उनकी जोड़ी उस तरह से नहीं बनती डबल्स में, तो रोहन बोपन्ना काफ़ी कुछ प्रूव करना चाहते होंगे, और वो उन्होंने एक तरह से प्रूव करके दिखाया। बल्कि जो चार खिलाड़ी, दोनों जोड़ी भारत की थी चेन्नई ओपन में, और जो चारों खिलाड़ी डेविस कप टीम का हिस्सा नहीं है, ये बड़ा निराशाजनक है। तो लेकिन अगर कल के मैच की बात करें तो यकीनन ज़्यादा एक्सपीरियंस जोड़ी है, रोहन बोपन्ना अगर किसी एक टीम का सदस्य है तो को मालूम है कि बड़े मौके पर कैसे खेला जाता है, और दिविज शरण और पूरब राजा जो अब तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, कल आपको फर्स्ट सर्व आपको सही रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल सिंगल्स में भी मेदवेदेव की फर्स्ट सर्व बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से अगुत को बहुत फायदा हुआ, और यहां डबल्स में भी पूरब राजा जो बहुत अच्छी सर्विस कर रहे थे उनकी फर्स्ट सर्व परसेंटेज कम था, तो उस वजह से टीम को थोड़ा नुकसान हुआ। और बाकी रोहन बोपन्ना का अनुभव तो हमेशा काम आता ही है, वो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, और अभी उनमें काफी टेनिस बची हुई है, और आईटा को चाहिए कि वो सारे जो भी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके रोहन बोपन्ना को इंडियन टीम में कहीं ना कहीं जगह दिलाएं। वाकई, और अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर ये जोड़ी जो आपने कहा दिविज वाली, तीसरा इनका खिताब होता अगर ये लंबी रैलीज ना खेलते और बढ़िया प्रदर्शन ना करते बोपन्ना और जीवन, तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। किस तरह से आप देखते हैं कि जब बाहर के खिलाड़ी आते हैं और हम उनके साथ खेलते हैं तो ये भी एक एक्सपीरियंस हमें मिलता है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम सिंगल्स में कब अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डबल्स आप अगर वर्ल्ड उसके लिहाज से देखें, सिनेरियो देखें, तो आपको डबल्स में उतनी कामयाबी, उतने बड़े खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो आपको सिंगल्स पे फोकस करना पड़ेगा। आपका सिंगल्स प्लेयर युकी भांबरी हैं, वो अभी भी कोच के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक उनको अच्छा कोच मिले, 24 साल की उम्र हो गई है उनकी, तो वो उस लेवल पे आपको आपके जो फेडरेशन है या जो खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ियों को चांस देके उनको अच्छी तरीके से तैयार करके सिंगल्स के आपको खिलाड़ी करने पड़ेंगे। वाकई, और ये बोपन्ना का इसलिए भी ये जीत खास थी क्योंकि एक लंबे समय के बाद उन्हें जीत मिली और ये उनका 15वां खिताब था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और मेल टुडे का कहना है चेन्नई स्मैशर्स बीट दिल्ली एसर्स, प्रीमियर बैडमिंटन लीग में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, बहुत रोमांचक होता जा रहा है। पीबीएल दिल्ली रजिस्टर सीजन फर्स्ट विन, इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर पब्लिश की है। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है दिल्ली एसर्स ने दर्ज की अपनी पहली जीत,
और एक तरह से हिंदुस्तान ने लिखा है चेन्नई स्मैशर्स पर जीत से दिल्ली की उम्मीदें कायम, और ये पहली जीत है दिल्ली की। और अमर उजाला ने खबर छापी है दिल्ली एसर्स ने पीबीएल 2 में चखा जीत का स्वाद। तो जीत का स्वाद चखा है पहली बार, तो एक बहुत ही बड़ी खबर है जिसको सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। बिल्कुल, दिल्ली एसर्स अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और एक तरह से देखा जाए तो किसी भी लीग में आपके डोमेस्टिक खिलाड़ी किस तरह का परफॉर्म करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और योर्गेंसन, उनके पास दो सिंगल्स के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके अलावा आपको पूरी टीम एक अच्छी चाहिए। दूसरा ये है कि पीबीएल का फॉर्मेट जिस तरह का है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट नहीं है, थोड़ा सा बदला हुआ फॉर्मेट है। 11 पॉइंट का वो एक गेम होता है, उसमें कई बार एडजस्ट करने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। अगर आप देखें, अश्विनी पोनप्पा ने कैरोलिना मरीन के साथ बड़ा संघर्ष किया था, उनको एक गेम में हरा भी दिया था, जबकि अश्विनी पोनप्पा पिछले 6 साल से कोई सिंगल्स मैच नहीं खेल रही थी। तो वो कई बार फॉर्मेट का अलग होने का नतीजा अलग होता है, और उसके अलावा जब आप रोज खेल रहे हो आपको ट्रैवल भी कई बार करना पड़ता है, तो कई बार आप रेगुलर उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिंधु अच्छा परफॉर्म कर रही है, साइना ने अच्छा परफॉर्म किया है, और हालांकि श्रीकांत हारे हैं लेकिन अपने ही खिलाड़ी से हारे हैं, तो ये समझ में आता है कि भारतीय जो मेंस सिनेरियो है वो भी अच्छी तरफ जा रहा है। तो भारतीय बैडमिंटन का कम से कम कह सकते हैं कि बहुत ही उत्साहवर्धक, उत्साहजनक जो उनके नतीजे आ रहे हैं उससे समझ में आता है कि अगला कुछ समय भारतीय बैडमिंटन का होने वाला है, और गलतियों से सीखने का मौका भी मिल रहा है सभी प्लेयर्स को यहाँ पर। और एक तरह से कैरोलिन मारिन की आपने बात की, जिन्हें लेडी नडाल कहा जाता है, इस तरह के प्लेयर्स के साथ खेलना, उन्हें देखना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बल्कि लेकिन अब भारतीय बैडमिंटन जिस लेवल तक पहुंच गया है वहां पे आपके पास अपने ही लोग हैं। अब देखिए, मेंस में श्रीकांत टॉप 10 में रहे हैं, तो आपको पता है कि श्रीकांत किसी भी दिन किसी बड़े खिलाड़ी को हरा सकते हैं। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल आपकी टॉप की प्लेयर हैं, साइना नेहवाल नंबर 1 रही हैं, सिंधु ने ओलंपिक मेडल जीता है, तो आपके पास अब अपने हीरो हैं देखने के लिए। वो जब आपके पास अपने हीरो होते हैं, जैसे तमाम खेलों में, चेस में भी जब विश्वनाथन आनंद आए थे उससे पहले भारत के पास कोई ग्रैंड मास्टर नहीं था, उसके बाद एक लाइन लग गई, तो आपके पास अब हीरो हैं जहां से आप सीख सकते हैं। उसके अलावा आपको दुनिया के, जैसा आपने कहा कि दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है, तो उसका एक असर पड़ता है, आपकी वो झिझक खत्म होती है, आपको लगता है कि आप उस जगह के हकदार हैं जहां आप खेल रहे हैं, तो उसका आपके साइकोलॉजिकली आपको बहुत फर्क पड़ता है। एंड इट्स इंस्पिरेशन फॉर बडिंग प्लेयर्स आल्सो। बिल्कुल, और इंडिया में इस तरह के बैडमिंटन के तमाम प्लेयर आ रहे हैं, आप देखिए एक के बाद एक आपको नाम दिखाई देंगे। महिलाओं में जरूर है कि उस लेवल पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल के लेवल पे, लेकिन अगर लड़कों में आप देखिए तो एक के बाद एक आपको तमाम नाम दिखाई देंगे जो लगता है कि किसी भी दिन किसी भी बड़े खिलाड़ी को हरा सकते हैं। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगर हम नजर डालें खास तौर पर कि किस तरह से परिदृश्य चेंज होता जा रहा है खेल का और नई नई उपलब्धि मिल रही हैं, एक नजर डालते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें रेसलिंग की, तो गीता बबीता ऑल बट आउट ऑफ पीडब्ल्यूएल, द टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर पब्लिश की है, गीता बबीता ऑल बट आउट ऑफ पीडब्ल्यूएल। और दैनिक जागरण ने खबर छापी है, साक्षी जीती पर दिल्ली टीम की हार जारी। रो कुश्ती लीग की हम बात कर रहे हैं, और वहीं हिंदुस्तान ने खबर छापी है, साक्षी की जीत के बावजूद दिल्ली को शिकस्त मिली। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, साक्षी सत्यव्रत जीते लेकिन फिर हारे सुल्तान। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, फोगाट बहनों के हटने से प्रो कुश्ती का आकर्षण हुआ कम। फोगाट बहनों के हटने से आकर्षण थोड़ा कम हुआ, लेकिन जिस तरह से जो दंगल जारी है, बॉलीवुड ने जिस तरह से हाइप दिया है, एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। एक तरह से प्रेशर काम किया क्या कहीं गीता और बबीता दोनों के लिए कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, कि दुनिया भर की निगाहें हम पर लगी हुई हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि गीता बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रेसलर हैं और बबीता भी बहुत साल से खेल रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब दुनिया की निगाहें हों तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए।
यहाँ समझ में नहीं आता, जैसा आपने कहा कि दंगल की वजह से काफी चीजें दिखी हैं, लेकिन उस जो पॉपुलैरिटी है उसको कैश कराने की जरूरत थी जो प्रो रेसलिंग लीग शायद नहीं करा पाई, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है अभी। अभी आपको नहीं मालूम कि गीता खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, कल एक ऑफिशियल कारण हट गई है, नहीं एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज थी जिसमें यह था कि गीता खेल सकती है, और हालांकि अब किसी को नहीं मालूम, बबीता जरूर हट गई है, गीता खेल सकती है, लेकिन चोट कितनी है, क्या चोट है, वो कितने दिन उनको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन प्रो रेसलिंग लीग नहीं बचा। आप देखिए पहले सुशील बाहर हुए, उसके बाद योगेश्वर, क्योंकि उनकी शादी है, उन्होंने पहले खेलने से मना कर दिया, फिर गीता हटी, फिर बबीता हटी, उसके बाद कल बजरंग नहीं उतरे। तो आपके जितने बड़े रेसलर हैं वो अगर आपकी लीग में नहीं खेल रहे हैं तो फिर लीग का आकर्षण आप कैसे बढ़ाएंगे? बाहर के तमाम खिलाड़ी इस बार नहीं आए हैं, यूएस से कोई खिलाड़ी नहीं आया, पिछली बार एडलिन ग्रे बहुत बड़ी खिलाड़ी है वो आई थी, कई खिलाड़ी नहीं आए हैं, लेकिन लीग जब बनती है तो आपके बड़े खिलाड़ियों से बनती है, और चोट किसी को भी लग सकती है, जिस तरह का खेल है उसमें किसी को भी चोट लग सकती है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, आयोजकों को सबको बताना चाहिए कि ये खिलाड़ी चोटिल है, इसको ये चोट है, और इतना समय लगेगा फिट होने के लिए, वो खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ अभी अखबारों में जो छपा है उसके लिहाज से जो यूपी टीम है उनको नहीं पता कि गीता फिट है या नहीं है, वो खेल पाएंगी या नहीं खेल पाएंगी, तो ये बड़ा बड़ा खराब सिचुएशन है। कुश्ती ऐसा खेल है जहां पे आप कह सकते हैं कि बहुत स्कोप है यहाँ पे खेल को ऊपर लेके जाने का, लेकिन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और एक तरह से शुरुआत हो चुकी है और अभी आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि है स्नूकर से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर पब्लिश की है, आडवाणी डाउन्स मेहता टू विन कोलकाता ओपन। द इंडियन एक्सप्रेस पब्लिश दिस रिपोर्ट, आडवाणी डाउन्स मेहता टू विन कोलकाता ओपन अगेन। और अमर उजाला ने छापी एक खबर, पंकज आडवाणी ने जीता कोलकाता ओपन। तो कोई नई बात नहीं है, 16 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन, और एक तरह से बस आदित्य मेहता के लिए थोड़ा सा रहा होगा कि मैं दो बार यहाँ जीता हूँ और तीसरी बार अब हार का सामना करना पड़ रहा है, यही एक खबर हम कहेंगे। बल्कि स्नूकर या बिलियर्ड्स इस तरह का गेम है जहाँ पे अगर आप वर्ल्ड चैंपियन भी हैं लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी तो आपके लिए पूरा मैच खराब हो सकता है। जैसे आदित्य मेहता ने कल शुरुआत बहुत अच्छी की थी लेकिन फर्स्ट फ्रेम में उन्होंने एक गलती की और वो फ्रेम फिर पंकज आडवाणी के नाम हो गया। एक्सपीरियंस का फायदा होता है, तो कई बार आप प्रेशर सिचुएशन होती है, कई बार आप थोड़ा ज्यादा रिलैक्स होते हैं, तो मेंटल कंडीशन कई बार आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो शायद प्ले किया है। पंकज आडवाणी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और अगर वो पूरी तरह जिस दिन फोकस्ड हो उनको हराना बहुत मुश्किल है। मैच के बाद भी उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद नहीं थी कि आदित्य मेहता पहले फ्रेम में इस तरह की गलती करेंगे, लेकिन गलतियां होती हैं, तभी कोई चैंपियन बनता है, तभी कोई हारता है। तो आदित्य मेहता ने गलती की और ऐसे खिलाड़ी के सामने गलती की जहां पे आपकी एक गलती आपको पूरा मैच हरा देती है। ऑब्वियसली अ फ्लॉलेस डिस्प्ले फ्रॉम ऑब्वियसली आदित्य का भी था, और वहाँ पर अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो आडवाणी का भी था, तो दोनों के बीच बहुत ही टांके की कांटे की टक्कर दोनों के बीच में देखने को मिली। और अब नज़र डालते हैं कि किस तरह से आज की दिनचर्या में कितना ज़रूरी है आयुर्वेद को अपनाना। डाइट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नेहा हम बात कर रहे हैं जिम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी विषय पे हम डाइट में भी बात करेंगे कि अगर आप जिम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, जिम से पहले क्या करें, जिम से आने के बाद क्या करें, इस बारे में आप हमें कुछ विस्तार से समझाएं। अगर आपने जिम स्टार्ट करना है और आप जिम डेली जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले आप कुछ एक डेफिनेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन लेके जाएं, बिकॉज जिम में जाके काफ़ी विगरस एक्टिविटी होती है जिसके लिए हमें कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, तो उसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ एक रेगुलर फूड्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि आप जिम जाने से पहले ले सकते हैं। एक रूटीन में जो लोग काफ़ी लोग लेते भी हैं विच इज़ लाइक अ ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर और हनी, या एक बाउल ऑफ स्प्राउट्स, या बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटोस विच शुड बी एक से दो, यानी कि आप सुबह चार आलू खा रहे हो। और नेक्स्ट थिंग इज़ अ हैंडफुल ऑफ नट्स। नट्स में हम बेसिकली यही बोलते हैं कि आप 4-5 आलमंड्स एंड 2 वॉलनट्स अगर ले लें, एंड सजेस्टेबल ये है कि आप उसको रात को सोक करके विद स्किन लीजिए।
सो दीज आर द फूड्स विच वी से विच प्रोवाइड यू एनफ न्यूट्रिशन कि आप एक वहाँ जाके एक एक्टिविटी लेवल कर सकते हैं. बिकॉज हम लोग रात के ओवरनाइट फास्टिंग के बाद नॉर्मली मॉर्निंग आवर्स में जिम जा रहे होते हैं, तो उसमें एक सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन ज़रूर होना चाहिए. एंड सिमिलरली जब आप जिम से वापस आ रहे हैं, सो एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप या 40 मिनट्स का गैप हम देते हैं कोई भी एक्टिविटी के बाद कि आप उसके बाद कुछ लें. तो उसमें आपका सजेस्टेबल यही होता है कि आप एक जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के लूज़ हुए होते हैं जिमिंग में वर्कआउट की वजह से, आप उनको रिप्लेनिश करिए. तो वहाँ पे यू कैन हैव लाइक अ लेमन वाटर, सॉल्टी प्रोटीन शेक्स वगैरह भी ले जाते हैं कई बार सिपर्स वगैरह में, तो वो भी ठीक है. प्रोटीन शेक्स भी एक्चुअली एक सर्टेन लेवल ऑफ जिमिंग के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप काफ़ी टाइम से जिमिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे आप ग्रेजुअली जिम में बढ़े हैं, तो उसके बाद आपके प्रोटीन शेक्स इंट्रोड्यूस होते हैं कि आप बिफोर जिमिंग लीजिए या पोस्ट जिमिंग लीजिए 15-20 मिनट्स के बाद, तो वो उस टाइम पे ही आते हैं. वरना नॉर्मली अगर आप एक फ्रेश जूस या वेजिटेबल जूस या आप लेमन वाटर या सॉल्टी या प्लेन ऐसा एक लिक्विड भी रखते हैं, तो इट्स सफाइसेस जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होते हैं उसको वो बैलेंस कर देते हैं. ओके, सो ये फूड्स इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली. जी कई बार होता है कि जो वेट कम करना चाहते हैं वो जिमिंग करते हैं, रिग्रेस जिमिंग करते हैं, और घर आके जो है वो रिग्रेस डाइटिंग पे चले जाते हैं, खाना वगैरह अवॉइड कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर हम कम खाएंगे और ज़्यादा जिमिंग करेंगे तो जो वेट है हमारा वो फटाफट कम हो जाएगा. तो ये किस हद तक ठीक है या ऐसा हम कर सकते हैं क्या? 90% लोगों की थिंकिंग बिल्कुल यही होती है, बट एक्चुअली दिस इज़ जस्ट नॉट राइट विद द बॉडी ऑल्सो. अगर कोई पहली बार जिम जा रहा है, सपोज़ आज मैंने एक जिम ज्वाइन करना था और मैं गई, तो अगर मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेनस लेवल पे ले जाऊंगी और मैंने अपना रात का डिनर बंद कर दिया और एक ही मील पे रही, तो वो ग्रेजुअली इनिशियली मुझे एक महीने में वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा वेट लॉस के लिए, बट उसके बाद आपकी बॉडी डेफिशिएंसीज क्रिएट करेगी. आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो आइडियली गलत तरीका है टू फॉलो. तो अगर मैं ये लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपने जिम करना है या डाइट करना है, तो आप उसको ग्रेजुअल लेवल पे लेके जाइए. जिमिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम लाइक अ वर्कआउट विच इज़ लाइक 20 मिनट्स अ डे एंड देन इंक्रीज ग्रेजुअली. फिर उसमें हम लोग डाइट भी जो है वो प्रोफेशनली बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है जिम के साथ, जो लोग बिल्कुल निगलेक्ट कर जाते हैं. वो सिंपल ये करते हैं कि डिनर गायब कर दो, सिर्फ प्रोटीन्स खा लो, पर वो आइडियली हमें नहीं देना होता. आप एक धीरे धीरे लेवल पे प्रोटीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो, या आप कह लो कि डाइट को स्ट्रिक्ट हम डे वन से नहीं करना चाहिए. तो जिसको हम बोलते हैं रिगरस विगरस, वो होना ही नहीं चाहिए डाइट एंड जिम दोनों में. आप इंक्रीज करिए अपना स्टेमिना लेवल, उसके हिसाब से डाइट आपकी मॉडिफाई होती है, और आप वो लीजिए तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलता है. नेहा, जिन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स दी और अच्छी अच्छी बातें बताई, आई एम श्योर आप इन बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि हेल्दी रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर आप कुछ भी अपनाना चाहते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही अपनाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए राय ज़रूर ले लें, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही आपको सही गाइडेंस दे सकता है. डॉक्टर नेहा, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, अब समय हो चुका है आयुर्वेदिक टिप का, जो हमें देते हैं हमारे वैद्य विराज जी. तो चलिए चलते हैं वैद्य विराज जी के पास. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर ही हमारे सब धर्मों को कराने हारा है, और हम सभी धर्म या अन्य किसी प्रकार का कोई भी कार्य हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ हम तब रहेंगे जब हम आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे. तो आज का हमारा विषय है लौंग और शहद. लौंग को आप सभी भली भांति जानते हैं, हमारे सभी माताएं बहनें हमारे अपने किचनों में सब पाकशालाओं में सब यूज़ करते हैं. लौंग जहां प्रकृति से शीतल है, वहीं समस्त 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश करने की भी क्षमता रखती है. लौंग के द्वारा हम अपनी कास अर्थात खांसी को भी ठीक कर सकते हैं. लौंग हमारे समस्त उदर विकारों को भी ठीक करती है. लौंग हमें एसिडिटी से निजात दिलाती है. लौंग हमें गैस्ट्रिक की समस्या से भी निजात दिलाती है. लौंग के द्वारा हमारा जो लिवर है उससे संबंधित हर प्रकार के विकार का नाश कर सकते हैं. लौंग के द्वारा हम अपने आपसन की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं. लौंग के द्वारा जिन भाई बहनों को
बार बार ब्लड आता है नासिका से, जिसको हम नकसीर कहते हैं, उस रोग को भी हम लौंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने का जो तरीका रहेगा, करीबन 4 से 5 लौंग आप ले लें और उसका महीन पाउडर आप बना लीजिए। अब उसको 1 चम्मच शहद के साथ आप सुबह खाली पेट खाना खाने से करीबन आधा घंटा पहले आप उसको चाट लें, और इसी प्रकार रात्रि को भोजन से आधा घंटा पहले आप वही 4 से 5 लौंग का मिश्रण पाउडर लें और 1 चम्मच शहद के साथ आप उसको सेवन करें। इस प्रयोग से आपकी सब प्रकार की एसिडिटी, सब प्रकार की गैस्ट्रिक, सब प्रकार के उदरगत रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को सिर में अक्सर दर्द रहता है, हमने कुछ ज़रा सा ज़्यादा सोच लिया, जरा सा हमने धूप में कुछ काम किया तो अक्सर हमें सिर में दर्द हो जाता है। कई बार हमारे एथलीट भाई बहनों को भी रनिंग के दौरान सिर में दर्द रहने की समस्या हो जाती है, तो इसी प्रयोग के द्वारा करीबन 4 से 5 लौंग आप लें और उसका पाउडर बनाएं, 1 चम्मच शहद के साथ आप उसको यूज़ करें सुबह और शाम। तो 2 बार ऐसा करने के साथ साथ आप पुराने से पुराना अपना सिर का दर्द, आपका जो वमन उल्टियों का, अगर आपको कोई रोग है, बार बार आपको खांसी और ज्वर अगर होता है, तो आप इन सब रोगों का अकेली लौंग के द्वारा अपना इलाज कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जिस तरह से वैदार्य ने बताया कि किस तरह से हम लौंग से बहुत सारे उपचार कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर शैलेश जी, इन्होंने सिरदर्द की बात की, अगर एथलीट को सिर में दर्द है, आप ज़्यादा कुछ सोचते हैं, हमें तो सिर्फ इतना पता था कि क्लोव ऑयल, लौंग ऑयल से सिर्फ दांत का दर्द ठीक होता है, लेकिन आज तो बहुत सारे फायदे पता चल गए, बहुत सारी चीज़ें पता चली, और बल्कि उससे पहले भी जो के बारे में हमारी को एंकर पूनम सिंह ने जैसे बताया, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि हम एक दिन में बिल्कुल फिट हो जाएं या एक दिन में सारी चीज़ें पूरी हो जाए, वो बहुत जरूरी है ये समझना कि आप धीरे धीरे ही चीजें बेहतर होती हैं। वाकई रिग्रेस डाइटिंग और रिग्रेस जिमिंग से जाने इससे ज्यादा फायदा है कि आप ग्रेजुअली उस प्रोसेस की तरफ जाएं, धीरे धीरे समय बढ़ाएं और फिर एक अच्छी बॉडी, माइंड और सोल पाएं। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश जी, आपने तमाम अहम खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अगर हम खास तौर पर बात करें, आज का ये पूरा क्रम रहा कि किस तरह से क्या क्या खबरें रही खास, और अब आपको बता दें कि आप सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, और आज का दिन खेल के इतिहास में क्यों है इतना खास, एक नज़र डालते हैं। 1968 में वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज जिमी एडम्स का जन्म हुआ था। इन्होंने 54 टेस्ट में 3 और 12 और 127 वनडे में 2204 रन बनाए थे। इनके नाम 70 विकेट भी दर्ज हैं। और तो हम यही कहेंगे कि किस तरह से आज का अगर हम नज़र डालें तो बहुत सारी खबरें रही खास, और आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खेल में क्या खास रहा, प्रीमियर बैडमिंटन लीग चैंपियनशिप 2017 पर हमने बात की, प्रो रेसलिंग लीग का दूसरा संस्करण 2017 जिस पर आज हमने चर्चा की, और टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन पहले स्थान पर कायम हैं। ये आज के इवेंट हैं जिस पर हम देख सकते हैं, और सोशल मीडिया पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एट दूरदर्शन स्पोर्ट्स, और ट्विटर @DDSportsChannel, वहीं यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @DoorDarshanSports, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं insta@DD.sports। तो फिलहाल दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन टुडे स्पोर्ट्स कैफे, टिल वी सी यू टुमारो, इट्स गुड बाय फ्रॉम द एंटायर प्रोडक्शन टीम, नमस्कार।